नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 31 मई तक लाखों लोगों का रद्द किया जाएगा राशन कार्ड। बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण कार्य अगले महीने से होगा शुरू। दिसंबर 2023 में बनकर तैयार होगा बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने बुमराह। प्रधानमंत्री का नेपाल दौरा, बिहारवासियों के लिए वरदान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 31 मई तक लाखों लोगों का रद्द किया जाएगा राशन कार्ड। बिहार के लाखों लोगों का राशन कार्ड निलंबित किया जाएगा। परेशान ना हो, ये राशन कार्ड उन लोगों का निलंबित होगा जो किसी सरकारी कार्यालय में नौकरी करते हैं और इस योजना का लाभ उठाते हैं। मालूम हो कि यह योजना उन लोगों के लिए जिनके परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी कार्यालय में नहीं है। सरकार ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में शामिल वैसे अपात्रों का राशन रद्द किया जाता है जो नियम के मुताबिक से पात्रता नहीं रखते हैं। इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ये संशोधन भी किया गया है और इसके लिए 31 मई तक विशेष अभियान चलाकर ऐसे राशन कार्ड को जल्द से जल्द रद्द करने को कहा गया है। कहीं बारिश तो कहीं लू को लेकर अलर्ट। बिहार में मंगलवार को बक्सर जिला छोड़कर सभी जगह का पारा शाम के समय तेजी से नीचे गिरा। हालांकि आज फिर सुबह से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पहले की अपेक्षा तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी जरूर आई है। दक्षिणी बिहार में सूखी गर्मी और उत्तर बिहार में उमस भरी गर्मी महसूस की गई। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा के साथ दक्षिणी भाग में पछुआ और दक्षिण पछुआ हवा के साथ पूर्व पश्चिमी ट्रफ रेखा के प्रभाव के कारण अगले 24 घंटे में राज्य के बक्सर, कैमूर, रोहतास, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्वानुमान है। दूसरी तरफ राज्य के दक्षिणी भागों के बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा जिले में लू ही चलेगी। बिहार में फिल्म सिटी का निर्माण कार्य अगले महीने से होगा शुरू। बिहार के राजगीर में अगले महीने से फिल्म सिटी का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए करीब 20 करोड़ जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इसके लिए पहले राज्य में नई फिल्म नीति बनाई जाएगी और इसी नीति पर फिल्म सिटी का विकास किया जाएगा। इस परियोजना के संबंध में कला संस्कृति और युवा संस्कृति विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा कि कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने नई फिल्म नीति बनाने को लेकर विभागीय बैठक भी की है, जिसमें दूसरे राज्यों के फिल्म नीति पर भी अध्ययन किया गया है। इस फिल्म सिटी को बनाने में करीब 146 करोड़ रुपए लगेंगे जो कि राजगीर के नीमा गांव में बनेगा। पटना सिटी के विस्तार के लिए 61 एकड़ और जमीन का किया जाएगा अधिग्रहण। बिहार की राजधानी पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद तेज कर दी गई है। इसी क्रम में पटना सिटी के विस्तार के लिए 61 एकड़ और क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। बीते दिन पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड PSCL की शहर स्तरीय CLAF की 6th बैठक में इसके प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है। स्मार्ट सिटी में अब पटेल चौक से एक अणे मार्ग, पीर मुहानी चौक से गांधी मैदान थाना और पटेल नगर के बाबा चौक से राजापुर पुल और बांस घाट का क्षेत्र भी शामिल होगा। बैठक में मेयर सीता साहू ने कहा है कि स्पेंटाइन नाला और आनंदपुरी नाला समेत विभिन्न नालों का निर्माण पटना स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहर की ड्रेनेज व्यवस्था सुदृढ़ होगी। अब लाल ईंट निर्माण के लिए नहीं मिलेगा लाइसेंस। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद और डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव के संयुक्त तत्वावधान में राजधानी पटना में बीते दिन हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बिहार में अब लाल ईंट बनाने वाली भट्टी को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। राज्य में अभी फिलहाल 5,000 के करीब लाल ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे हैं, वो पूर्व की तरह संचालित रहेंगे, लेकिन लाल ईंट के नई भट्टी के लिए लाइसेंस मुहैया नहीं कराया जाएगा। कार्यशाला के दौरान फ्लाई ऐश से निर्मित ईंटों के प्रयोग पर अधिक जोर दिया गया। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार NTPC को मुफ्त में 300 किलोमीटर के दायरे में ईंट भट्टों को फ्लाई ऐश मुहैया कराना है, लेकिन NTPC ऐसा नहीं कर रहा है, जिस पर नाराजगी जाहिर की गई है। माना जा रहा है कि यहां फ्लाई ऐश की धांधली की जा रही है। प्रधानमंत्री का नेपाल दौरा, बिहारवासियों के लिए वरदान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे थे। नेपाल दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल सरकार से कई करार हुआ, जिसमें सबसे बड़ा फायदा बिहार को ही हुआ है, जिसमें नेपाल के अरुण कोसी पर पनबिजली इकाई बनाने का फैसला भी शामिल है। इस परियोजना से बिहार को 3 फायदे होंगे। इससे बिहार को न केवल बिजली मिलेगी बल्कि कोसी का पानी नियंत्रित होकर आएगा, जिससे गाद में कमी आएगी और राज्य के दर्जन भर जिलों में बाढ़ की भयावहता कम होगी। माना जा रहा है कि अब तक बिहार के लिए अभिशाप रही कोसी नदी वरदान साबित होगी। BPSC पेपर लीक मामले में लगातार हो रही छापेमारी।
बीपीएससी सरसठवीं परीक्षा के पेपर लीक मामले में लगातार छापेमारी की जा रही है। इस बड़े मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। फिलहाल एसआईटी की रडार पर 3-4 लोग इस मामले में संदिग्ध पाए गए हैं, जिनकी तलाश में एसआईटी ने पटना, नवादा और भोजपुर में कई जगहों पर छापेमारी की है। फिलहाल ये पकड़ से बाहर है, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक एसआईटी ने टेलीग्राम और गूगल डॉक्स से कई जानकारियां मांगी है। इनमें से कुछ जानकारियां एसआईटी को मिल भी चुकी है। आगे की जांच में ये जानकारियां काफी मददगार साबित होगी। इन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। पंचायती राज के 25,000 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित। पंचायती राज विभाग का 25,172 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला परिषद कार्यालयों में लंबित है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र मामले की समीक्षा मुख्य सचिव ने की है और इसे गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समायोजित करने के ये कहा गया है। इस राशि के समायोजन को लेकर विभाग ने सभी जिला परिषद के मुख्य कार्यपालकों को निर्देश जारी किया। साथ ही विभाग ने 21 जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों की बैठक 20 मई और बाकी जिलों के कार्यपालक पदाधिकारी की बैठक 24 मई को बुलाई है, जिसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित पूरी रिपोर्ट लेकर आने को कहा गया है, ताकि राशि का समायोजन शीघ्र किया जा सके। तेजस्वी यादव 20 मई को लंदन से पूरी दुनिया को करेंगे संबोधित। तेजस्वी यादव विदेश के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज लंदन के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव SBF इंडिया और ब्रिज इंडिया ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रल आइडियाज फॉर इंडिया द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लंदन गए हैं। यहां वो भारत के आने वाले 25 साल के भविष्य पर अपनी बात रखेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर में ये पहला मौका होगा जब किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। 18 से 20 मई तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में भारत के हीरो साइकिल के MD पंकज मुंजल सहित 10 देशों से डेलीगेट शामिल होंगे। तेजस्वी यादव यहां 20 मई को संबोधित करेंगे। दिसंबर 2023 में बनकर तैयार होगा बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। बिहार की राजधानी पटना के बाद अब अररिया जिले में बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने जमीन की अनुमति दे दी है। ये चिड़ियाघर करीब 289 एकड़ जमीन पर 2023 के दिसंबर तक बना लिया जाएगा। 2022-23 वित्तीय वर्ष में चिड़ियाघर बनाने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि CZA ने रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें हॉस्पिटल, क्वारंटीन रूम, फूड स्टोर, पदाधिकारी बिल्डिंग सहित अन्य तरह की व्यवस्था के अलावा आगंतुकों के लिए दी जाने वाली सुविधा और तमाम जानकारियां देनी थी। ये रिपोर्ट बनाकर सेंट्रल जू अथॉरिटी को भेज दिया गया है। अब जून में CZA इसकी स्वीकृति देगी। NH निर्माण कार्य में देरी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। सरकार एक तरफ नई हाईवे सड़क पुल बनाने के दावे कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसके काम में जितनी तेजी दिखाई चाहिए वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल बीते दिन हाईकोर्ट ने पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 31 मार्च 2023 तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने NH निर्माण में लगी कंपनी को यह आदेश दिया है। साथ ही राज्य सरकार से कहा है कि 2 से 4 सप्ताह के भीतर अवरोध मुक्त जमीन सड़क बनाने के लिए उपलब्ध करवाए। कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए की आ रही कार्रवाई और उसमें आ रही परेशानियों पर भी 19 मई तक रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई अब कल होगी। 8 जून तक ये ट्रेनें रहेंगी रद्द। रेल से सफर करने वाले यात्री ध्यान दें, यहाँ कुछ ट्रेनें हैं जो कि 8 जून तक रद्द किए जाएंगे। इनमें अमृतसर सहरसा गरीब रथ, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, सप्त क्रांति एक्सप्रेस और लखनऊ पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस शामिल है। साथ ही 2 ट्रेनों को आंशिक समापन, प्रारंभ और 5 ट्रेनों का समय फिर से निर्धारित कर चलाया जाएगा। आपको बताते चले कि हावड़ा पटना रेलखंड के गोंडा स्टेशन पर नॉन डॉकिंग का काम किया जाना है, इस वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया है। ये उन यात्रियों के लिए है जो पूर्वोत्तर रेलवे से सफर करते हैं। तेज प्रताप खोल रहे हैं लालू की पाठशाला। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं और अपने सोशल मीडिया पर हमेशा अपने पोस्ट को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने आज सुबह एक ट्वीट किया और इसमें भी उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसकी चर्चा अब तेज हो गई है। दरअसल बिहार के नालंदा जिले के 11 वर्षीय सोनू से तेज प्रताप काफी प्रभावित हुए हैं और सोनू से प्रभावित होकर तेज प्रताप अब लालू की पाठशाला खोलने जा रहे हैं। इस ट्वीट में तेज प्रताप ने लिखा कि सोनू, जिसने पूरे बिहार के भ्रष्ट सिस्टम का खोल दिया, ना जाने ऐसे कितने सोनू शिक्षा से वंचित है। बिहार का कोई गरीब इस भ्रष्ट सिस्टम के कारण शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए लालू पाठशाला की शुरुआत करने जा रहा हूं। कोरोना संक्रमण मामले में राज्य में बनी हुई है स्थिरता। देश के साथ साथ बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले में स्थिरता बनी हुई है। बिहार में भी ताजा रिपोर्ट के अनुसार स्थिति सामान्य बनी हुई है। इन आंकड़ों पर नजर डाले तो राज्य में संक्रमण की दर में कमी आ रही है। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या रविवार 37, सोमवार को 34, तो वहीं आज भी कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 35 हो गई है। बीते दिन मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिपोर्ट 79,371 सैंपल की जांच के बाद
7 नए पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें राजधानी पटना और भागलपुर में 2, दरभंगा, नालंदा और बेगूसराय में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। वहीं देश भर की बात करें तो आज यानी बुधवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 1829 नए मामले सामने आए हैं। T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने बुमराह। IPL में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बीते दिन सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ खेले गए लीग के 65वें मैच में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। मुंबई की टीम हैदराबाद से जरूर हारी, लेकिन बुमराह T20 क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इन 250 विकेट में इंटरनेशनल और लीग मैच के विकेट भी शामिल है। उन्होंने हैदराबाद के बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर को क्लीन बोल्ड करके T20 क्रिकेट में अपने 250 विकेट पूरे किए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, दिनेश कुमार सिंह, नुनू कुमार, सुनील कुमार यादव, कविता कुमारी, आलोक कुमार, राजीव झा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार में फिल्म सिटी के दरबान से खासकर बिहार के कलाकारों को खास अवसर मिल पाएगा या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।